नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू जोनल इकाई ने सांबा जिले में जब्त किए गए 300 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। आपको बता दें, सांबा जिले के विजयपुर के राडा इलाके में 153 किलोग्राम हेरोइन और 177 किलोग्राम चरस को नष्ट किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये नोडल जांच एजेंसी है जो कि ड्रग्स के व्यापार को नष्ट कर नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उचित कदम उठा रही है। मुझे हर्ष है कि जम्मू की यूनिट ने अच्छा काम करते हुए पिछले कुछ सालों में अच्छे अच्छे केसेस दिए और उनसे हुई रिकवरी को आज कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त होने के बाद यहाँ पे नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि ड्रग की मात्रा काफ़ी है, इसलिए इसमें रेगुलर ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अलावा हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। इसमें DRI और पुलिस के भी लोग शामिल होंगे। आज की इस कार्रवाई में 4 केसेस में लगभग 153 किलो हीरोइन और 5 केसेस में लगभग 177 किलो चरस जो बरामद हुई है वो नष्ट की जाएगी। ड्रग्स का ये दहन ना ही पिल्फरेज को रोकता है, वापस दोबारा साइकिल में आने से रोकता है, बल्कि एक सांकेतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस दहन के साथ हम लोग प्रेरणा लें कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। तो इससे हम अपना कमिटमेंट, अपना रिजॉल्व और पक्का करते हैं कि इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज सुबह के समय ब्यूरो की तरफ से मैंने और जोनल डायरेक्टर साहब ने मुलाकात की, माननीय LG साहब से, ACS होम से बातचीत की, DGP साहब और SIA के स्पेशल DG से हम लोगों ने मुलाकात की, CID डिपार्टमेंट वगैरह से। तो ड्रग्स के व्यापार पे कैसे रोकथाम की जा सकती है, इन्फोर्समेंट के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इसकी बढ़ती हुई डिमांड को कम किया जा सके, क्या संरचनात्मक बदलाव जरूरी हैं, नए NDAPS कोड जो हमें यहाँ पे लाने हैं, इन सारे विषयों पर बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस ओर महत्वपूर्ण फैसले लेंगी और हमारे कदम मजबूत करेंगी। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, तो ज्यादातर ड्रग्स, अगर ओपियोइड्स की मैं बात करूं, हीरोइन डेफिनेटली बाहर की कंट्रीज से आ रही है। चरस का उत्पादन कुछ एक कश्मीर वैली, हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ चरस नेपाल से आती है। कंपोजिट केसेस भी बढ़े हैं, आपने देखा होगा हाल ही में NIA के पास भी इस तरह के केसेस जिसमें ड्रग्स पकड़ा गया है उनकी संख्या बढ़ी है। तो इस ओर इशारा है कि हम लोग इन केसेस को जिसमें नार्को टेरर का एंगल है उनको गंभीरता से ले रहे हैं। तस्कर हैं, उनके और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में ये खेल बहुत समय से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। वो नई नई चीजें लेकर आते हैं, इनिशिएटिव उनके पास है, लेकिन उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ड्रोन का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पे आया है। आपने सही प्रश्न उठाया, इसके संबंध में BSF, पंजाब पुलिस, JNK पुलिस, राजस्थान पुलिस और NCB ने पीछे एक मीटिंग करके गहन चर्चा की और उनकी मांग पर हम लोगों ने USA की जो कंसर्न्ड एजेंसी है, मरीन पुलिस, एयर मरीन एयर विंग
और होमलैंड सिक्योरिटी से उनके एक्सपर्ट बुलाए थे, आपस में क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई है और आने वाले भविष्य में उनसे हमें और मदद मिलने की उम्मीद है।